अर्जुन मेघवाल, वेरी ब्रीफ। हाँ, मैं बहुत ब्रीफ में, बहुत नहीं नहीं बहुत ब्रीफ में, कैसे भी बहुत 9:10 हो गए हैं। है? हाँ, प्लीज प्लीज, डोंट इंटरप्ट। ये हमारे साथी है ना राजस्थान के, आज राजस्थान वालों की ड्यूटी है शायद यहाँ पे। नहीं, हाँ आप भी बैठे हैं। धन्यवाद सभापति जी। मैं सिर्फ 5-7 मिनट में मेरी बात रखूंगा, बहुत ब्रीफली। प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2010, ये इसलिए आया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन में ये बात उठी और 9 दिसंबर 1975 को एक प्रस्ताव पास हुआ यूएनओ का। 22 साल बाद भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए 14 अक्टूबर 1997 को, और 13 साल बाद ये बिल आया है। और बिल इसलिए आया है, इट वॉज ए मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन दैट लॉ मस्ट बी इनेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड। सभापति जी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी कई बार इसका जिक्र किया कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा टॉर्चर किए जाते हैं। हालांकि प्रावधान आईपीसी में भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में भी इसका प्रावधान है, सीआरपीसी में भी इसका प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन ये इंटरनेशनल कन्वेंशन था, इसके तहत ये बिल लाया गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि 1994 से लेकर के 2008 तक कुल 16,836 कस्टोडियल डेथ हुई, हिरासत में जिसको अपन बोलते हैं, पुलिस की कस्टडी में या जेल में कोई टॉर्चर हुआ उनकी डेथ हुई, और एवरेज आ रहा है अपना 1203। तो ये संख्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा कि बढ़ रही है दिनों दिन, इस पे कुछ चेक होना चाहिए। और इधर कन्वेंशन की बात थी, ये बिल आया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बिल के साथ साथ अगर एविडेंस एक्ट में भी अमेंडमेंट करते तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि जैसे ये धारा 4 और 5, मैं सिर्फ इसी विषय पे 4 और 5 पे आना चाहता हूं, क्योंकि एविडेंस एक्ट में अगर अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो इसका जितना फायदा मिलना चाहिए उतना फायदा नहीं मिलेगा। ये बिल जो है वो फिजिकल और मेंटल दोनों तरह का जो टॉर्चर है उसको डील कर रहा है। मैं यहां कहना चाहता हूं कि जैसे ये सेक्शन 4 में ये सजा का प्रावधान है, सेक्शन 5 में सजा का प्रावधान नहीं है, कॉग्निजेंस का है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो 6 महीने का प्रावधान रखा है इसमें कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए था इसका, या इसका कोई अपवाद होना चाहिए था। सपोज करो, मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। सपोज करो एक जेल में कोई कैदी है और सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल उस कैदी को टॉर्चर कर रहा है और उस कैदी को 2 साल की सजा मिली हुई है, तो वो कैदी क्या उस सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता? उसको डर लगता मुझे जेल में रहना। आप कह रहे हो कि 6 महीने तक ही कर सकता, अगर किसी ने टॉर्चर किया है तो 6 महीने तक ही वो इनिशिएट कर सकता है या 6 महीने तक ही दावा कर सकता है और 6 महीने के बाद नहीं कर सकता। तो मैं ये चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि इसमें ये अमेंडमेंट होना चाहिए कि 6 महीने की बात ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टॉर्चर 6 महीने के बाद तक टॉर्चर तो कर देते हैं लेकिन वो शिकायत नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया जेल का, ऐसे कोई पियोन है, सपोज करो किसी बड़े अधिकारी के यहाँ काम करता है, उसको कहा खाना बना, मैं नहीं बनाता, तो जब तक वो अधिकारी है तब तक भाई साहब वो शिकायत नहीं कर सकता। ऐसा मेरे साथ भी कई बार मैंने अनुभव किया है जीवन में। इसलिए इसमें जो 6 महीने वाली शर्त है सेक्शन 5 में, उसमें कुछ एक्सेप्शन अपने को देना चाहिए। मैं ये अनुरोध सरकार से करना चाहता हूं। एक ये सेक्शन 4 में जो 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है, इसमें भी मैं कुछ एक्सेप्शन की बात करता हूं कि जो लोग कास्ट,
रिलीजन, लैंग्वेज, उसके आधार पे कोई अपराध करते हैं, प्रावधान तो पहले से ही है, इसमें आप 10 साल आए हो, मैं सोचता हूं कि इसमें आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, ताकि वो कोई भी आदमी जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर अपराध नहीं कर सके। हाँ, कंक्लूड कर रहे हैं सर। एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था, कंक्लूड कर रहे हैं बद्री जी, एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अप्रत्यक्ष रूप से अपराधी होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, एविडेंस एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है, किसी ने कहा मुझे, जैसे कोई पुलिस में थानेदार ने कहा सिपाही को कि आप इसको मारिए, सिपाही ने मारा, लेकिन थानेदार भी तो अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से जो रेस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट सर्वेंट, उनकी बात इस एक्ट में नहीं आई है, तो वो भी इस एक्ट में ये बात आनी चाहिए। दूसरा, यहां फिजिकल और मेंटल टॉर्चर दोनों की बात आई, मैं ये कहना चाहता हूं जैसे बीपीएल का सर्वे हो रहा है, इंदिरा आवास का हो रहा है, अब कोई ग्राम सेवक जो सर्वे करने जा रहा है वो देख रहा है कि इसका मकान तो बीपीएल में आने लायक तो नहीं है, लेकिन ले आता है, और पड़ोसी का मकान जो बीपीएल में आने लायक है वो नहीं आने लायक है, उसको ले आता है, तो यहां वो मेंटल टॉर्चर हुआ। अब उस ऐसे केसेस में क्या करोगे? प्रावधान तो पहले से ही है, हालांकि बीपीएल की सूची को अमेंडमेंट करो नहीं होता है, अगर ये जो एक्ट लाए, अगर उसको लार्जर परस्पेक्टिव में लाते, तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो बीपीएल की है, बीपीएल लिस्ट है, इंदिरा आवास है, एसजीएसवाई है, उनको भी अपन ठीक कर सकते हैं, और गवर्नमेंट सर्वेंट इसमें डर भी सकता है। एक मैं कहना चाहता हूं, एक डीके बासु वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल का एक केस था, उसमें ये निर्णय दिया गया था कि जो हिरासत में मौत होती है या जो रेप केस होते हैं उसको 24 आवर्स में उसकी सूचना मिलनी चाहिए। सूचना नहीं मिली, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी आंकड़े नहीं है, मैंने भी पता लगाया, और सूचना नहीं देगा तो कंटेप्ट माना जाएगा। मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ माननीय सभापति जी आपके माध्यम से, कि कानून तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन जब तक उसकी पालना नहीं होती तो उस कानून का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे ये कानून बना, मैं राजस्थान से आता हूँ, ये कानून बना कि साहब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट नहीं पिएंगे, लोग धड़ले से पी रहे हैं। ज्यादा कानून होने से भी पालना नहीं होती है। क्यों ये कानून लाया गया है? ऑब्जेक्ट तो इसका वो इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात है, हमारे यहां शारदा एक्ट है, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन धड़ेले से अभी अखाती जाने वाले 16 मई को बहुत बाल विवाह होंगे। तो जब तक अपन लोगों के माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे, तब तक खाली कानून लाने से भी पार पड़ने वाली नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री, हाँ क्या हुआ भाई साहब, बद्री जी क्या हुआ, मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूं, हाँ झगड़ा कर दिया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब तक लोगों के माइंडसेट चेंज नहीं होंगे, तो ये पब्लिक सर्वेंट हो चाहे कोई भी आदमी हो, वो हमेशा धर्म, भाषा, जाति, लिंग के आधार पर किसी को यातना दे सकता है। इसलिए माइंडसेट चेंज करने वाली बात भी इस अधिनियम में आनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी समाप्त कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।